भी कुछ नहीं कर रही है यहाँ पे। इतनी कंप्लेंट कर चुके हैं, डीसी ऑफिस तक कंप्लेंट कर चुके हैं हम लोग, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हमारा आना जाना बंद पड़ा, देखने मार्केट की तरफ से आना पड़ रहा है, दूर की तरफ से। यहाँ बालक बच्चे बीमार पड़े हैं सारे। हाईटेक सिटी वाली उपाधि का सर पर ताज पहन गुरुग्राम की जमीनी हकीकत कुछ ऐसी है कि वहां के लोगों को सीवेज की समस्या इस कदर सता रही मानो कोई रोग हो बैठा हो। और हो भी क्यों ना, सीवेजों का हाल बदहाल है। गुरुग्राम के सीवेज अधिकारियों को मुंह चिढ़ा रहा है, लेकिन उन्हें क्या, वो अपना पल्ला झाड़ चैन की सांसें ले रहे। वहीं दूसरी तरफ लोगों के लिए सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। दरअसल गुरुग्राम के टिकरी गांव से सटी सेक्टर 48 के लोग घर से बाहर निकलते ही रास्ते पर जमा पानी से परेशान। इस समस्या से विपुल ग्रीन के RWA फ्लैट्स के लोग ग्रसित हैं। उनका रास्ता गटर में तब्दील हो चुका है। उस रास्ता रूपी गटर में कीड़े मकौड़ों ने घर बना लिया है और पानी के ऊपर मच्छर पनप रहे। आसपास के घरों में रह रहे लोगों का जीना दुश्वार हो गया है, यहाँ तक कि उनके पास चलने को रास्ता तक नहीं। जिस रास्ते वो निकलकर रोड को जाते थे, वो रास्ता दोनों ही तरफ से पूरा ब्लॉक हो चुका है। आलम ऐसा है कि घर में रह रहे बड़े और बच्चे सब बीमार पड़ रहे हैं। स्थानियों की माने तो यह समस्या कई महीनों से है। कई दफा स्थानीय निवासियों ने संबंधित अधिकारियों को शिकायत भी की, लेकिन परिणाम नहीं निकला और स्थिति जस की तस है। RWA फ्लैट्स के ठीक विपरीत श्री राम डे केयर स्कूल भी मौजूद है, जहां बच्चे हर रोज पढ़ने जाते हैं। इस गंदगी का दुष्प्रभाव उन पर भी पड़ता है, लेकिन प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठी। स्वच्छ भारत अभियान के तहत सरकार प्रगति की राह पर देश को आगे ले जाने के दावे करता, लेकिन इस नारे की धरातल पर क्या सच्चाई है, इसका पर्दाफाश कर रही गुरुग्राम के सेक्टर 48 की यह दुर्दशा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्राउंड न्यूज, मैं हूं आपके साथ आदर्श झा। इस वक्त मेरी मौजूदगी है गुरुग्राम के टिकरी गांव से सटी सेक्टर 48 के लोग, जहां पे एक तरफ मैं आपको दिखाऊं कि यहां पे चकाचौंध एकदम चकाचक सड़क है, वहीं एक सड़क का दूसरा पहलू भी है, वो है ये। आप जो ये देख रहे हैं, ये कोई सीवेज की पाइपलाइन या कोई गटर नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं, ये भी एक सड़क ही हुआ करती थी एक समय पे, जो अब सीवेज बन चुका है। और इसका कारण ये माना जा रहा है कि जो आगे की ओर सीवेज बनाया गया है वो पूरा भर चुका है, उसकी समय पर सफाई नहीं होती है, जिसकी वजह से वो ओवरफ्लो होकर फिर ये पानी सड़क पर आ गया है। आप ये जो सड़क देख रहे हो, ये यहाँ से शुरू होता है और पीछे की ओर ख़त्म होता है। पूरे सड़क पे सिर्फ और सिर्फ कचरा जमा हुआ है और ये गंदा पानी है, जिसकी वजह से विपुल ग्रीन के EWS फ्लैट में रहने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। लोग यहाँ से आ जा नहीं पा रहे हैं और इस गंदे पानी में जो मच्छर पनप रहे हैं, जो कीड़े पनप रहे हैं, उन पनपते कीड़ों की वजह से, इस गंदे पानी की वजह से लोगों को यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आ रही हैं। उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज उन्हीं दिक्कतों का जो सामना कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के बीच में मैं आ पहुंचा हूं और उन्हीं से डायरेक्ट मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या समस्याएं आ रही हैं और इन समस्याओं का कारण क्या है। सर, आपका नाम? डॉक्टर प्रभुदयाल पावा। प्रभुदयाल जी, ये जो समस्या है, ये कितने समय से है यहाँ? ये साल में 9 महीने बनी रहती है समस्या, अब फिलहाल 4 महीने से है। तो ये उत्पन्न कैसे हुई समस्या, ये इसका कारण क्या है पानी लगने का? सीवर ब्लॉक हो गया है, उसकी सफाई नहीं हो पा रही है। इस संबंध में आप लोगों ने कहीं पे कोई शिकायत कुछ की? विपुल ग्रीन के में कंप्लेंट सेंटर में कंप्लेंट लिखवाई है, वो कहते हैं कि कितनी कंप्लेंट लिखा दो काम नहीं होगा। क्या समस्याएं आ रही हैं सर? समस्या यही आ रही है, सीवरेज बंद हैं, मेन रास्ता ही SW फ्लैट का, विपुल ग्रीन के फ्लैट हैं ये, मेंटेनेंस बराबर ले रहे हैं, बिजली का बिल बराबर जा रहा है, हर चीज़ का पैसा जा रहा है, लेकिन फैसिलिटी के नाम पे जीरो है। इसके पीछे जिम्मेवार कौन है? कमेटी, इनकी कमेटी जिम्मेवार है। आप लोगों ने वहाँ पे शिकायत की? बिल्कुल, मेल डाल रखे हैं लोगों ने, मेल डाल रखी है। कोई जवाब आया सामने? कोई जवाब नहीं आया उनका, जीरो है जवाब भी। जाते हैं, बात नहीं करता कोई भी वहाँ पे, लोग बाग घूम फिर के वापस आ जाते हैं। भाई यही जवाब मिलता है कि कंप्लेंट करा जाओ, देखेंगे। कंप्लेंट आप लोगों ने कितने समय पहले किया था?
कंप्लेंट को तो हो गए मेरे ख्याल 6 महीने हो गए करते हुए। 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए करते हुए। तो उसका कोई समाधान अब तक कुछ नहीं, कोई समाधान नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं है। तो आप लोग आना जाना कैसे कर रहे हो यहाँ पे? हमारा आना जाना बंद पड़ा है, देखने मार्केट की तरफ से आना पड़ रहा है, दूर की तरफ से। यहाँ बालक बच्चे बीमार पड़े हैं सारे, वहाँ पे आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। बाइक खड़ी होती है सर कायदे, और बहुत बीमार बच्चे पड़े हुए हैं यहाँ पे, काफी तकलीफ होती है हमें। तो ये केवल एकमात्र रास्ता है आप लोग के आने जाने का? एक रास्ता हमारे आने जाने के लिए, वो भी टेम्परेरी बनाया है आप लोग? हाँ, टेम्परेरी बना हुआ है यही, पीछे सफाई भी नहीं हुई है, कचरा भी हो वहाँ काफी। बहुत बदबू मारती है सर, बहुत बदबू मारती है यहाँ पर, इतनी ज़्यादा बदबू मारती है हद से भी ज़्यादा। खाना खाने का मन नहीं होता ना यहाँ पर है। हम ड्यूटी से आए, बदबू देख सुनते क्या करें सर, बहुत पैसा टाइम से देते, हर चीज़ टाइम से देते, तब भी कोई भी नहीं सुनना यहाँ पर। ये लास्ट 3 मंथ से ये देखो क्या हाल हो रखा है, और अभी बारिश होने वाली है, यहाँ कम से कम घोड़े से भी ऊपर पानी जाएगा। ये RWA कुछ नहीं कर रही और GMC कुछ नहीं कर रही, यहाँ पे इतनी कंप्लेंट कर चुके हैं, DC ऑफिस तक कंप्लेंट कर चुके हम लोग, लेकिन कुछ नहीं हो रहा यहाँ पे। इतने बच्चे परेशान हैं सर, इसको कितनी बदबू, आप खड़े हो आप देखो कितनी बदबू आ रही है, और ऊपर पूरी सोसाइटी में इतना जबरदस्त गंदा वो आता है ना, स्मेल आती है कि बैठा नहीं जा सकता। अच्छा, आप लोगों ने कोई कंप्लेन की है, उसकी कोई कॉपी वगैरह कुछ? कॉपी है, हमने रिटर्न में कंप्लेन कर रखी है, DC ऑफिस में भी कर रखी है, लेकिन जिनके पास कॉपी है वो है नहीं अभी यहाँ। रिटर्न में आपने कंप्लेंट? रिटर्न में कंप्लेंट कर रखी इसकी। ऑफिस जाने पे क्या कह रहे हैं अधिकारी जो हैं वो? कुछ क्या नहीं, सरकारी अभी तक तो ये बोल रहे थे कि इलेक्शन चल रहा है, उसके बाद देखेंगे। ये इलेक्शन भी हो गए, गवर्नमेंट भी बन गई, अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। इलेक्शन के बाद आप गए थे वापस? नहीं, मैं तो नहीं गया, लेकिन वो हमारे ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप में कल ही बात हुई है, वो फिर आज जाने की कह रहे थे, लेकिन आज सैटरडे की वजह से नहीं गए हैं, शायद मे बी कि मंडे को जाएंगे। क्या समस्याएं आ रही हैं सर आप लोगों को? सर समस्या ये आ रही है, मैं रास्ता मारी है, बाकी उधर मार्केट में होके जा रहे हैं, समस्या ये है सर, बाकी बहुत दिक्कत आ रही है, मैं आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा, ये भैया जी, ये जो है ये पूरा एक यू सर्किल है, जो जैसे ये एक गेट है ऐसी वो दूसरा एक और गेट है, ये पूरा का पूरा चौक हुआ है। आप देखो वहाँ कैमरा लगाओ तो ये देखो कितना वो पड़ा हुआ है। अभी पिछले करीब 3 महीने पहले मैंने और मेरे साथियों ने मिलके GMC से ये पूरा साफ करवाया था, पूरा पूरा क्लीन करवा दिया था, उसके बाद फिर ये साफ हाल हो गया, उसके बाद कोई नहीं आया, ना यहाँ झाड़ू लगती है ना कुछ लगता। नीचे वाली तो मंजिल ऐसी है सर, वापसी पानी मारता है कमरे के अंदर, वापसी गंदा पानी या वापसी मारता है। इतने टाइम से ये यहाँ इतनी गंदगी है, निकलना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मतलब घर में भी पानी वापसी आता है, बैक मारता है ना, क्योंकि ये लो में है, और इधर की सोसाइटी का भी पानी इधर ही आता है, मैंने जो सुना है, तो वो जो है ग्राउंड फ्लोर पे बाथरूम में से टॉयलेट में से वापस बैक मारता है, ग्राउंड फ्लोर वालों को तो ज्यादा दिक्कत है। बहुत दिक्कत है सर, लाइट भी रात को काट देते हैं, लाइट भी काटते हैं ये, चल दो दो तीन दिन घंटे। लाइट की तो अलग समस्या है, बिकॉज ऑफ की लोड शेडिंग चल रही है, लेकिन ये तो एक्चुअली हाँ सीवेज वाली तो ये तो होनी चाहिए ना, मच्छर देखो कितने हो रहे हैं, मतलब लाइट के बाद तो बैठना मुश्किल हो जाता है कि इतनी बदबू आती है, और दूसरा मच्छर आते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कितनी प्रॉब्लम होती है, छोटे छोटे बच्चे क्या करें बेचारे, कैसे रखते हैं। अच्छा, हर महीने हर साल जो बरसात आती है तो क्या ये समस्या ऐसी होती है हर साल, या ये इस बार हर साल ऐसी समस्या होती है? बिल्कुल, कोई उसके ऊपर RWA को भी बोल रखा है, वो कह रहे जी ये हमारी वो नहीं है, ये GMC का है पार्ट, वो उनके वहाँ क्या इनका आपस में चलता है वो हमें पता नहीं, मतलब एक दूसरे पे ठिकरा फोड़ रहे हैं, ये एक दूसरे के ऊपर फोड़ देते हैं। तो बरसात की जैसे पिछले बरसात के समय पे यहाँ पे सफाई हुई या नहीं हुई? कोई सफाई नहीं हुई, BMC वाले आते हैं थोड़ा बहुत सफाई करके वो निकल जाते हैं, और सॉरी BMC नहीं GMC वाले, जैसा कि पानी वही भर जाता है, इतना घुटने घुटने तक पानी रहता है, एक एक महीने तक पानी भरा रहता है, वो निकलता है तो फिर अपने धीरे 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 धीरे, और अभी तो 3 महीने से देखो ऐसी सड़ान, जरा जरा सा पानी हो गया यहाँ तक पानी पहुँच गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोग अपनी समस्या बता रहे हैं कि यहाँ 2400 महीने पानी लगा रहता है, जैसा देख रहे हैं आप लोग, अब एक से एक समस्या यहाँ बता रहे हैं, समस्याओं का जो है पहाड़ है, अंबार है यहाँ पे, लेकिन समाधान के नाम पर सरकार एक भी कदम उठाने को तैयार नहीं है। ये जो समस्या है ये समस्या केवल अभी की नहीं है, ये पूरे साल रहती है। अगले महीने के बाद मॉनसून आने वाला है, मॉनसून में जैसा बता रहे हैं कि कभी मॉनसून में भी इस पर कोई समस्या को संज्ञान में नहीं लिया जाता है, उसका समाधान नहीं दिया जाता है, अभी फिर मॉनसून सर पर है,
ये समस्या पहले से यहाँ पर है, पानी का जमाव बड़ा पहले से लगा हुआ है, कीड़े मकौड़े यहाँ पे पनप रहे हैं इस पानी के अंदर, लेकिन बावजूद इसके इस पर कोई एक्शन या फिर कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। पानी की समस्या है ये बहुत समय से है। इस समस्या का दो पहलू है, जहां एक तरफ रोड के इस साइड में ये गटर का पानी है, वहीं दूसरी साइड मेरे बाएं हाथ में यहां पे स्कूल है, डे केयर स्कूल है। बावजूद इसके इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा का जो नेतृत्व करते हैं वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका एक नारा है स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत की जमीनी हकीकत क्या है वो ये जो समस्या सीवेज की समस्या है वार्ड 48 का ये आपको बयां कर रहा है कि स्वच्छ भारत पे की जो नारे हैं उनकी धरातल पे क्या सच्चाई है। अब आप खुद ही सोच कर देखिए कि स्कूल में जो बच्चे पढ़ने आते हैं, जो घर में रह रहे हैं, वो तो वाकई में उनको तो परेशानी हो ही रही है, लेकिन जो स्कूल में बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, जो यहाँ के नहीं हैं, स्कूल में छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, डे केयर स्कूल है, वहाँ पर बच्चों को इसका कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा है और बच्चों के स्वास्थ्य पे किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बावजूद भी यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, कोई भी इसका समाधान नहीं निकाला जा रहा है। ये समस्या यहाँ की परमानेंट समस्या बनकर रह गई है और जैसा कि लोग बता रहे हैं कि जो प्रशासन है, जो अधिकारी हैं, वो एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन समाधान कुछ नहीं निकल रहा है। मानसून भी आने वाला है, ये अगर स्थिति ऐसी ही रही तो यहाँ के लोगों का हाल जो है वो बदहाल होने वाला है। कैमरा पर्सन गोल्डी के साथ आदर्श झा, द ग्राउंड न्यूज़, गुरुग्राम।